अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हो आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको चटपटी सी दाल बनाना सिखाऊंगी। मैंने एक 1.5 कप दाल ले लिया चने की। अब मैं पतीली में डाली, अच्छी तरह मैंने धो लिया था और धो के मैं पतीली में डाली। इसमें मैंने 2.5 गिलास पानी डाला तकरीबन। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी, ऐड करूँगी। इसमें 1/2 चम्मच मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, अब और भी मसाले में डालूंगी, दिखा रही हूँ आपको। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच से कम मैंने गरम मसाले भी डाला था, मैंने दिखाया नहीं आपको। अब मैं आपको दिखा रही हूँ। 1/2 लहसुन प्याज और टमाटर चॉप किया हुआ, 1/2 लहसुन का पेस्ट, ये सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अभी ऐड करने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं ढक दूँगी। जब ये दाल गल जाएगी तो मैं, ये दाल गलने के बाद, आधी दाल गल चुकी है, मैंने नमक डाला और 3 खाने के चम्मच मैंने दही डाल दिए इसमें। तो जनाब हमारी दाल गल चुकी है, आप देख सकते हैं दाल में मैंने जो दही बची हुई थी मैंने दही और डाल दिया। तो बस अब हम चलते हैं दाल में तड़का लगाने के लिए। देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी चूल्हे पे, अब मैं 1/2 प्याली तेल डाली। तो मैंने इसमें 1 अदद कटी हुई प्याज डाल दी, ये मैं सारे प्याज डालूंगी इसमें। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब डालूंगी तड़के के लिए। अभी प्याज ब्राउन हो रहा है, अब मैं प्याज ब्राउन कर वेट कर रही हूँ। अब मैं इसे चला रही, चलाने के बाद ये मैंने 5 चीज़ें ली है। 5 चीज़ें में देखिए, जीरा है, कटी हुई 1/2 लहसुन है और साबुत लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। ये देखिए दाल हमारा तैयार है। ये हमारा प्याज ब्राउन होने पर आ चुका है। यह आप भी दाल बनाएं, बहुत मज़े की है, काफ़ी टेस्टी बनी थी ये दाल। ये देखिए प्याज ब्राउन होने पे आ चुका है। अब मैं इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दूंगी। अब मैं तड़का डाली दाल में। अभी दाल देख कितना प्यारा, खूबसूरत और मज़ेदार दाल है। हमारे घर में तो सबको पसंद आई है दाल, आप भी बनाएं अपने घर में और तारीफ़ वसूल करें। अब मैं ये ला दिए इसमें तेल अंदर जाने के लिए। अब देखिए ये कितनी यम्मी और टेस्टी लग रही है, आप भी ज़रूर बनाएं इसे। अब देखिए मैंने प्लेट सर्व कर दिया। अब मज़ीद ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।